ओके सर। तो सर अपने आप प्रॉपर लिसन, तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, हिंदी में हम बात करेंगे, आप इंग्लिश में अपना जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सर आप फ्रेंच कैसे सीखे गांव में रह करके। ओके श्योर श्योर। ओके ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। बट बिफोर आई गेट टू द क्वेश्चन आई लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस मायसेल्फ सो दैट एवरीबॉडी कुड नो अबाउट मी। So basically, my name is Marvin Amir, and I'm the co-founder and co-director of Galaxy Children's Academy. And I'm an English teacher as well. I train students to speak English with a North American accent. So this is all about my credentials, and you have put a very good question. आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि गांव में रहके हम लोग कैसे अपनी अंग्रेजी को या किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आज के दौर में अगर हम सफल होना चाहते हैं। सो यू नो व्हाट, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तीन इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। वन सेकंड फॉर डिस्टर्बेंस सर, अपना फोन थोड़ा लैंडस्केप कर लीजिए। नंबर वन इज रीडिंग। या सर, वन सेकंड डिस्टर्बेंस, आप लैंडस्केप कर लीजिए थोड़ा, फोन रोटेट मोड में उसे लैंडस्केप कर लीजिए। Alright, you know it's K20 Pro, the camera is just popping out, that's the reason it's a little bit problem. Okay, yeah, let's try. Yeah, proper, right. So is it okay now? Yeah, okay. Start, sir. Is that okay? अब ठीक है? Okay, okay, जी। Okay, very good. तो हम आपके question पे आते हैं। Okay. तो basically किसी भी language को सीखने के लिए three steps को follow करना बहुत जरूरी होता है। Number one is reading. That means you must read something in that specific language which you are trying to learn. यानी जिस भी language को आप सीखना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें कुछ पढ़ें। And by reading, I mean you should read something in which you are interested in. और पढ़ने से मतलब ऐसा है कि आप कुछ ऐसा पढ़े जिसमें आपकी रुचि हो, ऐसा ना पढ़े जो आप टेक्स्ट बुक के स्टाइल में पढ़े। So